बिना टाइम वेस्ट किए प्लान को अंजाम दो प्रियंका। मुझे उस अमृता की हर खुशी छीननी है, उसके चेहरे की हंसी तक। चलो मैं भी कुछ ट्राई कर ही लेती हूँ। क्या हुआ? आई जी कढ़ाई, उनके बनाए खाने पे यकीन नहीं है। सच सच बताओ, डर लग रहा ना कि मैं तुम्हारे खाने की पोल खोल दूंगी? गुड गर्ल, नाउ लेट मी टेस्ट। इतना ऑयल है इसमें। Ew! ये कितना गंदा खाना है, छी! ये खाना बनाया तुमने पार्टी के लिए? ये यहाँ क्या कर रही है? ऐसे कचरा खाना नहीं खाना हमें। तुम ऐसे जैसे छली हुए भज्जा कैसे सर्व कर सकती हो हमें? जला हुआ नहीं, तला हुआ है। ओ, तो अब तुम प्रियंका आहूजा के साथ बहस करोगी? बोलो मत कि मैं तुम्हारी गेस्ट हूँ। और एक बार कह दिया ना कि नहीं खाना है तो नहीं खाना है। तुम होती कौन हो जबरदस्ती करने वाली? Anyways, मैं भी किसके साथ आर्ग्यू कर रही हूँ? पर हाँ, एक बात सुन लेना कि रिव्यू पे तुम्हें ऐसे ही मिलने वाला है, जला हुआ और सड़ा हुआ। आई मैं तेरा काम बिगड़ने नहीं दूंगी। आपको जो रिव्यू देना दे सकती हूँ, मैं फ्रेश बचिया लेकर आती हूँ। सॉरी। ये प्रियंका यहाँ भी आई? पक्का कोई नया कांड करने आई है। और हाँ, एक बात और अमृता, जिन लोगों के घर में तुम लोग ये खाना सर्व करते हो ना, उनके साथ मेरा उठना बैठना है। तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मेरी जगह का है और तुम्हारी जगह का। खैर, ये सब ना एकदम अच्छे से साफ कर देना और अपने आई को कहना कि फ्रेश अच्छी भजिया बनाए, ये ऐसी जली हुई नहीं। ये सब क्या हो रहा है? पता नहीं। एनीवेज गाइस, ये सब छोड़िए, मेरे पास आप सबके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। सो चलिए हम सब वहां जाते हैं। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। अरे क्या प्लीज, ये उल्टे पैर वाली हर जगह पहुंच कैसे जाती है? दिल्ली की है ना, इसके बम्बई में इतने कॉन्टैक्ट्स कैसे? पता नहीं आंटी, ये सब छोड़ते हैं अभी, ये साफ करते हैं और नए बना कर लाते हैं। बात में क्या, उसे जवाब नहीं देगी क्या? दीदी ना, आज तुम देख लें, बड़े बड़े लोग आए हैं, बड़े बिजनेसमैन आए, ये लोग ऐसे और भी तो पार्टियां थ्रो करते होंगे ना। यही तो हमें आगे जाके ऑर्डर्स देंगे, यहाँ कुछ खराब नहीं करना बस।
तुम्हारी ऐसी बेइज्जती होगी अमृता कि तुम जिंदगी भर नहीं बोलोगी। अब पहला पॉइंट मैं लिखूंगी। मेरी अम्मू भाभी बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं। और ये दिमाग का भरता बनाती है। अच्छा गेम है अंजू। हाँ, तुम्हारी अमृता भाभी फैमिली से बहुत प्यार करती है, फैमिली के लिए कुछ भी कर सकती है। बात तो सही है। प्रियंका कुछ भी कर सकती है हमें मारने के लिए। मेरी बारी। ओके लो 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 लो। अमृता घर की लक्ष्मी है और बरकत है। और प्रियंका आफत। सही तो है। अब मेरी बारी ना। पर मैं लिखूं क्या? मतलब भाभी में सब कुछ अच्छा ही तो है, मैं लिखूं क्या? और अरे नहीं नहीं, लिखना तो पड़ेगा। हाँ। अरे अच्छी है वो तो हमें पता है, लेकिन क्यों अच्छी है वो लिखो ना। पॉइंट्स पॉइंट्स ऐसा बोलने में जाता हूँ मैं। लिखता हूँ अब भाभी आहूजा घर की रानी है, प्रियंका सबसे बड़ी परेशानी है। नकल जी बंदर, मैंने आफत लिखा, तूने परेशानी लिख दिया, सेम टू सेम। अंकल नकल में तो मैं स्कूल टाइम से एक्सपर्ट था। ये लीजिए। बाय द वे ये परेशानी, आई मीन प्रियंका जब से घर पे नहीं है तो कितनी शांति है। हाँ शांति तो है कहाँ वो अभी? अरे जहाँ भी है हम क्यों लौट लें, बस घर वापस ना है। वो तो आएगी ही फूफा जी, हमें परेशान किए बिना उसे चैन कहाँ मिलता। और अभी भी ना पक्का वो किसी ना किसी रीजन से ही गायब होगी, क्या पता भाभी के पीछे गई हो, उन पर नजर रखने। तुझे लगता है वो अमृता के पीछे गई है? भाभी तो पार्टी में, मुझे विराट को बताना होगा।